और जिस तरह आज पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार जहां लोकतंत्र नहीं बल्कि गुंडा तंत्र की सरकार चल रही है और जिस तरह अपने गुंडा ब्रिगेड टीएमसी के द्वारा वैधानिक रूप से चुनाव आयोग से परमिशन लेकर जिस जुलूस का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता और जनता की भारी भीड़ पर जिस तरह टीएमसी के गुंडा ब्रिगेड ने हमला किया और जिसे सारा देश आज देख रहा है, उसकी झारखंड भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और देश में 6 फेज के चुनाव हो गए, चुनाव में भी किसी राज्य में कहीं हिंसा नहीं हुई और 6 फेज के चुनाव में भी देखें तो पश्चिम बंगाल में ही सिर्फ हिंसा। और हमें लगता है कि 4.5 वर्ष में मोदी जी के गरीबों के द्वारा किए हुए काम से भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जनाधार को देखकर ममता जी हताश हो गई और उसे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रह गई है और इसीलिए वो गुंडा तंत्र का सहारा ले रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता, जहाँ की जनता, हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है, तो 19 मई को ममता जी के गुंडा तंत्र को लोकतांत्रिक ढंग से वोट के माध्यम से गुंडा तंत्र की सरगना ममता जी को इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी।